अस्सलामु अलैकुम। इंटर पार्ट टू। आज असी काफ़ी पढ़ेंगे सैयद बुल्ले शाह दी। साडा सबक छेवां। सैयद बुल्ले शाह दा थोड़ा जिहा तारुफ, हालांकि तुसी पहले भी पिछले साल इन्हां नूं पढ़िया होया वे। आपका सिलसिला कादरी शतारी सिलसिला तसव्वुफ नाल मिलदा है। 14 वास्तियां नाल शेख अब्दुल कादर जिलानी नाल आपका शजरा नसब भी मिलता है। प्यो दादा उच गिलानिया के रहन वाले सन, तो फिर पहला उन्होंने हिजरत की मलकवाल, तो बाद विच मौजा पांडो की आके वसे। उतों के मस्जिद के इमाम सन आपके वालिद साहब यानी सैयद सखी मुहम्मद बुल्ले शाह। 1680 विच उत्थी पैदा हुए ते आपका नाम अब्दुल्ला रखिया, जिहड़ा बाद विच बुल्ले शाह दे नां तों पहचानिया गया। फारसी ते अरबी दी तालीम आपने कसूर विचों हासिल कीती। मौलवी ये मौलाना गुलाम मुर्तजा कसूरी कोलों, जिहड़े के वारिस शाह दे भी उस्ताद सन। आप मुर्शद दी तलाश विच लाहौर आए, ते इत्थे उस वेले हज़रत अनायत शाह कादरी बागबानी दा काम करदे सन, उन्हां दे हाथ उत्ते बैत कीती। हज़रत अनायत कादरी राई सन, जबकि सैयद बुल्ले शाह सैयद सन। अजीज़ रिश्तेदार उन्होंने ताने मेने मारते सन कि सैयद हो के राई के हाथ से बैत की, तो उन्होंने उन्होंने जवाब दिता, बुल्ले शाह दी सुनो हकायत, हादी फड़िया होई हदायत, मेरा साई अनायत ओ ही लंगावे पार। सिखां दा वेला सी, दिल्ली की हालत बहुत खराब सी नादर शाह ते अहमद शाह अब्दाली दे हमलिया की वजह नाल, तो उस वेले वो फरमांदे ने मूंह बारहवीं सदी पसारिया, सानू आ मिल यार प्यारिया, दर खुला हशर अजाब दा, बुरा हाल होया पंजाब दा। बुल्ले शाह ने काफिया तो अलावा 12 मां भी लिखे, उन्हां दी शायरी विच मौसीकी कुली होई है। फलसफा वाहदतुल वजूद नूं मनन वाले सन, जाहरदारी ते रियाकारी दे खिलाफ सन। ते आप दे काफियां दे विच उस दौर दा शौर जिहड़ा है वह मौजूद है। शाह हुसैन सूफी शायर सन, 1757 दे विच आप खालके कीकी नाल जा मिले, ते उत्थे कसूर विच ही दफन ने। आप फरमांदे ने, बुल्ले शाह असी मरना नाही, गोर पिया कोई होर। ते आज उन्हां दी काफी दासी पहला बंद पढ़ने आ। करत कुड़े ना वत कुड़े, छली ला बड़ोले गत कुड़े, माँ प्यो तेरे गंढी पाइया, अजे न तेनू सुरतं आईया, दिन थोड़े ते चा मुकाइया, ना आसी पेके वत कुड़े, कत कुड़े ना वत कुड़े। वत दा मतलब हुंदा है फेर, कत कुड़े पुराने जमाने च रवाज सी यानी चरखा कत, ते यानी छली हुंदा लूण तकले उत्ते चाड़ के कत्ती हुई गलोटी जिहनूं कहिंदे ने, नलकी या फिर की आप लोग। पड़ोले छिकू या टोकरी हुंदी है किसे दौर, अज दे जमाने विच प्लास्टिक दीआं जिहड़ियां टोकरियां जिन्हां च असीं सब्जी कट के पाने आ, उह पुराने जमाने दे विच उह कागज़ दे नाल या मिट्टी दे नाल पड़ोले बनाए जांदे सन। घत कोड़े पा, छली ला के पड़ोले विच पा। गंढी पाइया, गंढ पाना जिन्हों के अजकल असी जिहड़ा दिन मुकर्र करना आखदे शादी विआह दे दिन पाना। अजे ना तेनों सुरतां आईया, सुरतां आना होश आना हुंदा, इहदा मतलब है होशो हवास कायम रहना। दिन थोड़े ते चा मुकाइया मतलब बहुत ज्यादा खुशियां ने, दिन थोड़े ने, ना पेके ना सी पेके वत कुड़े,
दोबारा फिर पेके दे कार नहीं होना कद कुड़े ना वत कुड़े। इदा मफहूम इंज बनता है नि कुड़िए तू अमलां दा चरखा कत फिर ये वेला परत के नहीं आएगा। तू छली ला के पड़ोले विच पा लै तेरे मापिया ने तेरे विआह दी तारीख मुकर्रर कर दिती है तेनू हजे होश नहीं आई दिन थोड़े रह गए ने ते काम अजे नहीं मुके। तू परत के पेके घर ते आना नहीं इसलिए तू चरखा कत। पुराने वक्तां विच कुड़ियां अपने दाज दियां कपड़े लत्ते दियां शैवां चरखा कत के तैयार कर दियां सन। खेस बनाने वास्ते चादरां या रेजे बनाने वास्ते या लिबास बनाने वास्ते चरखा कर दियां सन ते ओ सूतर जुलाया नूं दित्ता जांदा सी जिहड़े के ओ कपड़ा तैयार करदे सन या खेस तैयार करदे सन ते फिर ओ दा जहेज तैयार कर कीता जांदा सी कुड़ी दा। ते फिर पता चलण वाले इस तरह कुड़ियां तियां मेहनत दियां दी आदि हो जांदियां सन सलीका सीख लैंदियां सन ते सहुरे घर जा के फिर उहनां नूं निकम्मिया होण दा ताना नहीं सी दिता जांदा। पंजाबी सूफी शायरां ने चरखे नूं मेहनत दी अलामत दे तौर ते इस्तेमाल कीता है। ਉਹ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਚਰਖਾ ਚਲਾ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇਕ अमल करने चाहिए ने। ये मोहलत दोबारा नसीब नहीं होनी मतलब कि बंदे ने दुनिया ते पलट के फिर नहीं आना। तेरा पेके घर क्याम बहुत थोड़ा है दुनिया की जिंदगी जड़ी है चंद रोज आवे चार रोज आए। तू अजे भी संजीदगी नाल काम काज करना नहीं सीख्या मतलब ये कि तू नेक ऐ बंदिया तू नेक अमल हजे भी नहीं करता पिया। तेरी रुखसती दे दिन ही किन्ने क रह गए ने यानी दुनिया दे विच पता नहीं किन्ने क थोड़े दिन रह गए ने बंदे दे। ठीक है इंसान नूं भी दुनिया विच रहन दी मोहलत गिनी हुई दित्ती जांदी है मिथी हुई दित्ती जांदी है ते ओ शुगला मेलियां विच अपनियां असल जिम्मेदारियां भुला देंदे ने। शायर आखदा है कि इंसान नूं इस हकीकत नूं नहीं भुलाना चाहिदा कि दुनिया की जिंदगी जिहड़ी है वह आरजी है महदूद है ते थोड़ी है ते दुनिया ते रहिंदिआं होइआं वेला बर्बाद ना कीता जाए क्योंकि इस दा हिसाब जिहड़ा है सानूं अगे जा के देना पैणा है। ते बुल्ले शाह इस काफी दे विच बज़ाहर ते एक कुड़ी नूं मत देंदे पए ने कुड़ी दे नाल मुखातब ने पर असल दे विच ओ इंसान नूं मुखातब ने कि इंसान दुनिया दे उत्ते रहिंदे होइआं नेक अमल करे। अल्लाह ने बंदे दी जिंदगी बहुत थोड़ी रखी हुई है ते आखिर पलट के जड़ा है कब्र ठिकाणा है ते जिथे जाके हिसाब किताब देना पैणा है।